हेलो दोस्तों, मैं बिसेंद्र तिया टिप्स ओनली विन से एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। यस, बेंगलोर सेंट लेजर के लिए संडे को ये रेस है, 24 जुलाई 2022 को। चार ही घोड़े फील्ड पे हैं यार। पहले देख लेते हैं, माय ओपिनियन है, पिसारो है, थियोन है, स्पिटस्टर है, फ्लैशबॉर्न विड्रॉन कर दिया गया है प्रताप कामत जी का। हुआ है किस कारण से पता नहीं। तो पहले यार सेंट लेजर की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को यही मानना था कि भाई जूलियट भागेगा, भागेगी फील्ड पे, और सिंगल हॉर्स होगा, वो जीत जाएगा, या फिर एक फाइट होगी थियोन वर्सेस जूलियट। बट ऐसा नहीं है। रामा स्वामी जी का घोड़ा तो है, बट इस टाइम पे जो फील्ड पे घोड़ा दिख रहा है वो दिख रहा है माई ओपिनियन, बहुत बढ़िया घोड़ा है यार। अब हम चारों घोड़ों के लिए एक बारी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। माय ओपिनियन बहुत बढ़िया घोड़ा है यार। डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही सुपीरियर घोड़ा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2400 में जीता हुआ है घोड़ा। यहाँ पे 2800 जीता हुआ है। ये वाला जो रन है यार, ये अगर आप रन देखोगे तो थियोन के साथ ये घोड़ा भागा हुआ है। थियोन के साथ ये घोड़ा उस दिन 3.5 रुपये का इस घोड़े का भाव था। 59 kg में जा रहा था ये घोड़ा। अक्षय कुमार से अक्षय कुमारी बैठा हुआ है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों को यार किसी भी रेस में ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई घोड़े फील्ड पे भागे हों तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस करने वाली होती है, जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, कि अगर आप ये देखोगे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है घोड़े के साथ। 3000 मीटर में जब घोड़े भागे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट। अब ये क्या इंसिडेंट हुआ है ये आप लोगों को पढ़ना होगा या देखना होगा घोड़े को क्या दिक्कत हुई है घोड़े को। तो ये घोड़ा थियोन के साथ ही 3.5 रुपये में चौथा लगा है। 3000 मीटर का डिस्टेंस था, आज 200 मीटर कम जाना है, वेट आधा किलो कम जा रहा है, माइनस जा रहा है। और उसके बाद थियोन के साथ ही ये लास्ट रन है इसका 2200 मीटर का, जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यार। और उस दिन अगर हम ट्रैक की बात करें तो ट्रैक भी ऐसा था कि जो फ्रंट रनर घोड़ा है उसको ज़्यादा बेनिफिट है, और वो स्टार्ट टू फिनिश ही जीत गया। जैसे थियोन और ए स्टार इज बॉर्न मेरे ख्याल से फ्रंट निकले थे उस दिन, और दोनों ही मेरे ख्याल से पीछे आए नहीं और पीछे वाले आ गया है नहीं, तो स्टार्ट टू फिनिश रेस चली गई थी। खैर आ जाते हैं यार। तो माई ओपिनियन बहुत बढ़िया घोड़ा है। उम्मीद करते हैं कि यार एक बेटर रन दे और मतलब जीते घोड़ा। यहाँ पे चांस हैं, बिल्कुल बनते हैं घोड़े के, सुपीरियर घोड़ा यही है यहाँ पे माई ओपिनियन। उसके बाद आ जाते हैं यार पिसारो में। अब हम पिसारो को देखेंगे यार। पिसारो भी उसी दिन, जैसे मैं बता रहा हूँ थियोन के साथ ही ये वाला रन अगर आप देखोगे, ये घोड़ा भी थियोन के साथ ही उसी दिन सेम फील्ड में भागा था। बट जो इसका ओड था 20 रुपये का था, ट्रेवर से ट्रेवर जा रहा है, 59 से 58 का वेट लेके जा रहा है। उस दिन ये घोड़ा फ्रंट निकला था और उसके बाद पांचवा हो गया था 7 लेंथों से। तो कहीं ना कहीं पे अब अगर हम बात करेंगे आज के टाइम पे जो घोड़े की परफॉर्मेंस है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1800 जीता घोड़ा, चार ही घोड़े भाग रहे थे उस दिन। उसके बाद जो ये वाला रन है, ये रन बहुत बढ़िया था यार कहीं ना कहीं पे पिसारो के हिसाब से, क्योंकि बहुत पीछे से ट्रैवल लेके आया था घोड़े को और वेट बहुत ज़्यादा था, 61.5 kg। आज कहीं ना कहीं पे 3 किलो माइनस जा रहा है, तो ये पिसारो भी अपसेट कर सकता है, निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप इसे, क्योंकि सेम फील्ड के घोड़े हैं। उसके बाद आ जाते हैं यार थियोन पे। थियोन ऑब्वियस है, एक कंटिन्यू परफॉर्मर घोड़ा है, तो दोबारा जीतना चाहिए। और डिस्टेंस में घोड़ा और सुपीरियर था, जैसे सभी को बीट किया हुआ है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, ये वो वाला रन है यार मद्रास का। ओड कहीं ना कहीं पे फेवर में थे घोड़े के। ठीक है,
अगर आप देखोगे ओट फेवर में थे, 59 kg में उस दिन गया था चौहान के नीचे, आज 58.5 किलो जा रहा है, 90 पैसे का भाव था घोड़े का, और दो लेंथों से सभी को बीट किया हुआ है, चौहान से चौहान जा रहा है। तो घोड़ा यार दोबारा जीतना चाहिए, एक तो फॉर्म पे है घोड़ा, और मेरे हिसाब से दोबारा एक बारी जीतना चाहिए घोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस में, और है भी लॉन्गर डिस्टेंस का ही घोड़ा यार। उसके बाद आ जाते हैं स्पीडस्टर वारन सिंह जी का घोड़ा है यार। इस घोड़े के अगर हम ये दो रन देखें तो घोड़ा कहीं ना कहीं पे लगेगा कि यार घोड़ा आता ही नहीं है, और वेट से भी 52 लास्ट किलो 52 kg में गया है घोड़ा, उसके बाद भी नहीं आया, जुकरैली के साथ पांचवा लगाया घोड़ा, बहुत डिस्टेंस है पीछे, और अब 5 किलो अब जा रहा है, सूरज नायडू बैठ गया है। ये जो राइडर है इसी की एक राइडिंग है जो हम इसमें देखेंगे, वैसे लोगों ने देख लिया होगा मेरे बोलने से पहले ही, ये वाला रन, सिर्फ ये घोड़ा इसी जो ये रन था इसी घोड़े में, इसी रन की वजह से इस घोड़े को पूरा कंसिडर करना चाहिए, और ये घोड़ा जीत भी सकता है। जिस दिन मद्रास में ये घोड़ा भागा है तो चारों घोड़े कहीं ना कहीं पे सेम फील्ड के हो गए, और थियोन ने सबको मारा हुआ है, मोटी मोटी बात अब ये है। और सेम फील्ड के हिसाब से उस दिन स्प्रिस्टर का जो रन था सूरज नायडू के नीचे, बहुत ही बहुत सुपीरियर रन था। उम्मीद कर सकता हूँ कि वॉरेन सिंह जी का अपना घोड़ा है, ऑनर भी खुद ही है, ट्रेनर भी खुद ही है, और सूरज नायडू बैठ गया है, और राइडिंग तो आप लोग जानते हैं सूर्य नायडू के यार, अमेजिंग। तो दोस्तों यही कहानी है इस छोटी सी रेस की यार, कि किसी को हम गनशॉट नहीं कह सकते। नो डाउट थियोन टॉप हॉर्स है फील्ड में, उसके बाद उसी के मतलब अगर मैं वर्सेस फाइट में कहूँगा तो माय ओपिनियन है, उसके बाद 2 नंबर बिल्कुल ही अपसेट कह सकते हो आप, और उसके बाद स्पिस्टर अपसेट करने के लिए, मतलब थियोन टॉप हॉर्स रहेगा, और उम्मीद करते हैं यार थियोन जीते। बाकी सिलेक्शन में यार जब वीडियो में डालूंगा तो एक बारी ओड वोड, पहले मैंने अभी ओड कंसीडर नहीं करे हैं, तो अभी सिर्फ वीडियो बनाई है मैंने, तो जब फाइनल वीडियो में बनाएंगे तब देखेंगे फाइनल कौन जीतना चाहिए। थियोन डे बेस्ट भी दिखा रहा है बुक के हिसाब से अगर देखोगे आप यार, ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं थियोन जीते। और एक और चीज़ यार, ये लो मैंने अभी देखा है, ये पिसारो फाइनल एंट्री है, तो फाइनल एंट्री मतलब कहीं ना कहीं पे घोड़ा ट्राई होना चाहिए अगर घोड़े को एंटर किया गया है, क्योंकि पहले 1 की बैट होती है, अब 1-2 की बैट हो गई है पिसारो के एंटर होते ही, तो उम्मीद कर सकते हैं पिसारो एक बेटर रन दे यार, और माय ओपिनियन सभी को ऑल द बेस्ट है यार, और बाकी मिलते हैं फाइनल इसके बाद यार, ओके।